हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग लेसन, जिसमें हम आपको आज ये दो रंग का वर्टिकल स्ट्रिप डिज़ाइन बनाना बताएंगे। दो रंग का ये डिज़ाइन है और बहुत सुंदर लगता है बना के और बहुत ही इजी है। ये डिज़ाइन वो लोग भी बना सकते हैं जिन्हें निटिंग में सिर्फ सीधा सिलाई या उल्टी सिलाई ही बुननी आती है, वो लोग भी इस डिज़ाइन को बहुत ईजीली बना सकते हैं। बहुत ईजी ये डिज़ाइन है, तो चलिए आज हम इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए जो फंदे हमें लेने हैं वो इवन नंबर में लेने हैं। इवन नंबर में फंदे लेके हम इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। जितने भी आपको फंदे लेने हैं, 42, 44, 32, 34, कितने भी आप फंदे इसमें ले सकते हैं। और बस ध्यान रखना है कि इवन नंबर में हो। दो कलर का डिज़ाइन है। जिस कलर से हम बॉर्डर बनाएंगे, जैसे इसमें हमने बॉर्डर नहीं बनाया है, ये हम आपको पैटर्न बता रहे हैं, इसमें बॉर्डर हमने नहीं बनाया है, सीधा बुनाई स्टार्ट कर दी है। बाकी जिस कलर से भी हम बॉर्डर बनाएंगे, जैसे कि हमने फंदे व्हाइट कलर से डाले हैं, तो हम रेड कलर से इसकी बुनाई स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली जो सिलाई है वो रेड कलर से होगी। चार रो का ये डिज़ाइन है, बहुत इजी डिज़ाइन है, तो चलिए हम इसे बना लेते हैं। फर्स्ट रो में देखिए हम क्या करेंगे। रेड कलर से हमें करना है, तो हम व्हाइट कलर के फंदों को बिना बुने छोड़ेंगे, क्योंकि हम पहले से बुन रहे हैं इसलिए हमारे व्हाइट और रेड फंदे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जब आप इसकी फर्स्ट सिलाई बुनेंगे तो आपके सारे फंदे वाइट कलर से ही होंगे, तो आपको पहले दो फंदे बिना बुने छोड़ देने हैं। उसके बाद देखिए, जैसे हम रेड कलर हमने ये जॉइंट कर लिया, उसके बाद हम इसका एक लूप बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये एक लूप बन गया। इसको बुना के हम आगे ले आएंगे, दोनों सिरे इसके आगे आ गए देखिए, तो हमारे सिलाई में एक सिरा ऐसा रहेगा जो कि खींचेगा पीछे की साइड, और एक रहेगा जो बिल्कुल टाइट रहेगा जब हम उसको खींचेंगे। ये देखिए, जैसे ये दो सिरे हैं, इसमें से अगर हम इस सिरे को खींचते हैं तो ये हमारी साइड खींच जाता है, और ये देखिए ये हमारी साइड खींच जाता है, और अगर इस सिरे को खींचते हैं तो ये नहीं खींचता, ये टाइट रहता है। तो हम जो टाइट रहता है उससे अपने जो अगले दो फंदे हैं उन्हें उल्टा बुनेंगे। हमारी सिलाई में ये दोनों फंदे रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, आपकी सिलाई में ये वाइट कलर के ही दिखाई देंगे, क्योंकि अभी आप फर्स्ट सिलाई डाल रहे हैं इसकी। तो देखिए इन दोनों को हमने उल्टा बुन दिया। अब जो ये एक्सेस धागा, जो बाकी का धागा बच गया है, इसको हम पीछे खींच देंगे वापस, देखिए इस तरह से। फिर अगले दो फंदे हम बिना बुने उतारेंगे और फिर से एक लूप बनाएंगे रेड कलर के फंदों को बुनने के लिए। ये देखिए इस तरह से इनको, दोनों सिरों को हम आगे ले आएंगे, और अगले दो फंदे हमें उल्टे बुनने हैं उस सिरे से जो कि नहीं खींच रहा है। फिर पीछे खींच दिया, अब फिर से दो फंदे उतारेंगे बिना बुने, फिर से लूप बनाएंगे और फिर से उल्टे बुनेंगे। पहली सिलाई है ये, फिर से दो फंदे उतार लिए, फिर से लूप बनाया और फिर से दो फंदे उल्टे। फिर से लूप बनाया और फिर से दो फंदे उल्टे। इसी तरह से हम इस पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। दो फंदे उतारते जाएंगे, दो फंदों पे लूप बना के उन्हें उल्टा बुनते जाएंगे। ये काम हमें अपने सेकंड कलर से करना है, जो सेकंड कलर यूज करेंगे हम। एक फर्स्ट कलर है जिसका हमने बेस बनाया है, बॉर्डर बनाया है, और ये सेकंड कलर है। देखिए इस तरह से हम इसको बनाते जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकंड रो में आ गए हैं। सेकंड रो में जो पहले दो फंदे हैं उनको हम उतार लेंगे, जिन्हें हमने पिछली सिलाई में भी बिना बुने छोड़ा है उन्हें, और जिनको हमने बुना है रेड कलर के फंदों को उन्हें हम उल्टा बुनते जाएंगे। इन्हें उतार लेंगे
और रेड कलर को उल्टा बुन लेंगे। वाइट को ऐसे ही उतारेंगे, रेड को उल्टा बुनेंगे। देखिए रेड को हम बुनते जा रहे हैं और वाइट हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं। देखिए इस तरह से ये हमारी सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो में हम आ गए हैं। थर्ड रो में हम वाइट कलर से बुनाई करेंगे। तो पहले जो दो फंदे हैं उनको हम सिंपल सीधा बुनेंगे। पहले दो फंदे सीधे बुन लिए, अब रेड कलर के फंदों को बिना बुने छोड़ेंगे और फिर से अब लूप बनाएंगे हम। जैसे हमने रेड कलर में बनाया था लूप, ऐसे अब हम वाइट कलर से बनाएंगे। देखिए लूप बना लिया, आगे ले आए दोनों लूप बना के। जो धागा खींच नहीं रहा है उससे उल्टा बुनेंगे और जो खींच रहा है उससे हम इसे वापस पीछे खींच देंगे। रेड कलर के फंदों को बिना बुने उतार लिया। देखिए इन्हें उल्टा बुन दिया, फिर से पीछे खींचा। देखिए लूप बना के हम इसे पीछे खींच देंगे जो बचा हुआ धागा है। तो इससे हमारी जो स्ट्रिप्स हैं उसमें एक हल्का सा डिजाइन आ जाता है और ये फिर बहुत सुंदर लगता है बनके। देखिए लास्ट के जो दो फंदे हैं उनको भी हमने सीधा बुन दिया। तो इस तरह से ये थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फोर्थ रो में आ गए। फोर्थ रो में हमें पहले दो फंदों को उल्टा बुन लेना है वाइट कलर से ही। देखिए पहले दो फंदे उल्टे बुन लिए, अब दो फंदे अगले रेड कलर वाले जो हैं उन्हें बिना बुने निकाल दिया और अगले दो फंदों को फिर से उल्टा बुन लिया। फिर अगले फंदों को बिना बुने निकाल दिया और अगले दो फंदों को फिर से उल्टा बुन दिया। देखिए फिर से इन्हें हम उल्टा बुन रहे हैं। देखिए इस तरह से ये फोर्थ रो भी हमारे डिज़ाइन की कंप्लीट हो चुकी है और इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन का जो पैटर्न है ये भी कंप्लीट हो गया है। अब जब हम इसको डिज़ाइन को बनाते जाएंगे तो हम इन फोर्थ रो को जो है रिपीट करते जाएंगे, इनको रिपीट करते जाएंगे और ये डिज़ाइन हमारा बनता जाएगा। देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन का लुक आता है। दो रंग में ये डिज़ाइन अगर आप बनाते हैं, बेबी ब्लैंकेट में बनाएं, स्वेटर में बनाएं, जर्सी में बनाएं, तो ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है।
इस डिज़ाइन को आप बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसे केवल आप बॉर्डर के तरह पे यूज़ कर सकते हैं। नीचे आप इसका स्वेटर में केवल बॉर्डर बना लीजिए, ऊपर कोई और डिज़ाइन यूज़ कर लीजिए तो भी ये बहुत अच्छा लगता है। कार्डिगन में आप इसको नीचे की तरफ यूज़ कर लीजिए, ऊपर से कार्डिगन प्लेन बना लीजिए तो भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। या फिर आप अपनी शॉल में इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं, मफरल में यूज़ कर सकते हैं, और बेबी ब्लैंकेट तो मैंने आपको बताया ही है कि उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है और जैसा कि आपने देखा ये बनाने में बहुत ही इजी है। इसी तरह का एक और वर्टिकल डिज़ाइन मैंने पहले भी अपने चैनल पे डाला हुआ है, वो भी लोगों को बहुत पसंद आया है। आई होप ये भी आप सबको बहुत पसंद आएगा और आप इसे अपने वूलन प्रोजेक्ट्स में ज़रूर यूज़ करेंगे। आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे और लोग भी इस डिज़ाइन को अपने वुलन प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकें। थैंक यू।